हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अभिषेक वर सीधा देहरादून से आए हैं आज मोमो खाने के लिए। लॉकडाउन के बाद संडे का दिन है, अगर 2 हफ्ते पहले हम संडे को बाहर निकलते तो शायद से कुछ सब, नहीं कुछ नहीं मिलता, सब सब बंद रहता। तो स्ट्रीट देखो यार, आप स्ट्रीट पूरी देखिए, आपको सड़क दिखाते हैं देहरादून की। ये इंदिरा नगर मलिक चौक के पास हम मौजूद हैं। आप देखिए पूरी सड़क खाली है, इक्का दुक्के वाहन दिखेंगे आपको। ये देखिए एक और एक दूसरा वाहन आज के पीछे। मेरे घर के पास एक नई दुकान खुली है जिसका नाम है अनमोल फास्ट फूड। आज हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, चलिए देखते हैं कैसा है। ठीक है, तो पहली बार कर रहे हैं और नई दुकान है, नाम अनमोल है, देखते हैं खाना कितना अनमोल मिलेगा यहाँ पे। यार हम बंटी की खाने वाले, क्योंकि मोमो तो हम घर पे खाएंगे। पैक करा के ले जा रहे हैं मोमो। ये बन रही है बंटी की, ये है चटनी। ठीक है, ये बंटी की रेडी है। प्लीज तो भारत सबसे पहले रिव्यू देंगे हमें खा के, पूरा खा के बताइएगा, एकदम मत बताइएगा। ट्राई ट्राई गजब का टेस्ट चला जाओ। 30 रुपये ही है और सच में अनमोल है, 30 रुपये का क्वालिटी मिल रहा है आपको। अब इसके बाद हम मोमो ट्राई करने वाले हैं। बन टिक्की तो अच्छी है, लेट्स सी मोमो कैसे होते हैं। तो अभी मोमो पैक हो रहे हैं, घर पर जाके टेस्ट करेंगे। बन टिक्की तो अच्छी थी भैया, बता देंगे थोड़ा सा लोकेशन के बारे में। मलिक चौक निकट बैंक ऑफ बड़ौदा रीजनल ऑफिस। कब से शुरुआत करी है आपने इसका? सर ये तो फरवरी से शुरू है, बीच में लॉकडाउन की वजह से वो हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, फरवरी से शुरू था। ओके, तो फरवरी से ये दुकान खुल गई थी, लेकिन उसके बाद आप जानते होंगे अप्रैल में लॉकडाउन शुरू हो गया था। पुराने वाली ब्रांच यहाँ आगे आईटीबीपी के पास बीकानेर वाला है। हाँ हाँ, बीकानेर के बराबर में। हाँ हाँ, वहाँ खाते थे। हाँ वो यही है, वो अच्छा? पहले खुला हुआ, ये बाद में। आजकल वो खुल नहीं रहा, आजकल वो खुला है अभी शाम को खुलता होगा। अच्छा, तो ओके ओके, तो टेस्ट में फिर कोई भी कमी नहीं आने वाली, क्योंकि जहाँ हम पहले खाते थे पहली वाली ब्रांच पे, वहाँ पे भी टेस्ट बहुत अच्छा होता था। और आज यहाँ के मोमो ट्राई करेंगे, देखेंगे कि कितना स्वाद मिलता जुलता है वहाँ से, और कितना जादू है। तो चलिए चलते हैं मोमो खा के चेक करते हैं अनमोल फास्ट फूड। और अभी हम आ गए हैं घर और भारत खोल रहे हैं मोमोज का पन्नी। और ये हमारे खूबसूरत खुशबूदार मोमोज आ चुके हैं। ये है हमारी लाल चटनी। ये किस चीज की चटनी होती होगी? ये किस चीज की? नारियल की चटनी लगती है ना दिखने में, पर ये नारियल की चटनी तो नहीं। अरे जिसकी भी है कोई बात नहीं, हम खा के देखते हैं। तुम देखिए जी बाहर आ गई अपने आप। लाल चटनी, नारियल चटनी, मोमो 16 मोमो, 2 3 4। इनकी आदत है कि मोमो गिन के खाते, बिना गिने नहीं खाते मोमो। ऐसी बात नहीं है यार, देखो मैं बताता हूँ, अभी अभिषेक 9 खा जाएगा और मैं 4 ही खाऊंगा, तो ऐसे कैसे चलेगा? नहीं यार 4 नहीं खा सकता मैं, थोड़ा ज्यादा ही खाऊंगा। पर फिर भी यार 8-8 मिले, 40 रुपये में 8 मोमो। अब यार हमने अभी ट्राई नहीं किया, ट्राई कर लेते पहले, फिर बोलेंगे लोगों को ट्राई। हाँ ठीक है, ओके, तो मैं स्टार्ट करूंगा। उठाए सर, ये है मोमो, ये है लाल चटनी, ये नारियल की चटनी या फिर कोई सी चटनी, क्या वही दुकान में वो सीमादार वाली दुकान में, बिल्कुल सीमादार वाली दुकान जैसा टेस्ट है। पहले ये चटनी, लाल चटनी, कोकोनट वाली चटनी, कांदा है ना, वही है ना सीम, कॉपी पेस्ट कर दिया मेरा आदमी तो अलग यार, सेम मोमो कैसे बना रहा है। नाम अनमोल था, मोमो भी अनमोल है, ट्राई करके देखें। जो तो हमने आपको पहली दुकान दिखाई है, आगे भी दिखाएंगे अगर अच्छा टेस्ट लगेगा किसी जगह। ठीक है भाई, मोमो खाते हैं उसके बाद घर को जाते हैं।